नाश्ते में, लंच में, डिनर में, हर वक्त पराठे सभी की फेवरेट है। हम बना रहे हैं आज राजमा पराठा। इसमें हमने राजमा की स्टफिंग की और हमने रबड़ी पराठा बनाया। आप देख सकते हो इसमें रबड़ी कितनी सुंदर तरीके से ऊज आउट होके आ रही है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाना है इसे। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस करिएगा। कविता बरेडिया, आज हम बनाएंगे रबड़ी पराठा और राजमा पराठा। एक होगा मीठा, दूसरा है चरका। बहुत ही डिलीशियस बनता है, डिफरेंट तरीके से पराठा बनता है। तो सिर्फ से खाना घर पे बनाए चुटकी में, हम बंदे आपके प्यार से। रबड़ी पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे रबड़ी। ये मैंने लिया है 1/4 कप मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। आप खाली दूध को अच्छे से एकदम बॉईल करके उसको रिड्यूस कर सकते हो। इसमें मैं ले रही हूँ 1 लीटर मिल्क। ये मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। फिलहाल मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी ताकि मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए और लम्स फ्री हो जाए। अभी हमने गैस की फ्लेम बंद ही रखी है। एक बार मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसको बॉईल करेंगे। हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसमें हम बाकी मिल्क को पोर कर देंगे। इसको हम स्टर करते हुए रिड्यूस करेंगे। हमें एकदम थिक कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी, तो नियरली मोर देन हाफ यानी काफ़ी अच्छे तक हम इसको रिड्यूस करेंगे रबड़ी के लिए। हम इसको स्टर करते रहेंगे और साइड से ऐसे स्क्रेप करते रहेंगे। जो भी मलाई साइड में जम रही है, ऐसे हम जब स्क्रेप करेंगे ये मलाई इसके अंदर ऑटोमेटिकली आती रहेगी। तो जब तक हमारा ये दूध रबड़ी के फॉर्म में पक रहा है, ये आटा लगाते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 कप आटा। इसमें स्वाद अनुसार मैं डाल दूँगी नमक। ये मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून घी। ये मैं डाल रही हूँ घी मोयन करने के लिए। इसको अच्छे से मिक्स करके हम एक नॉर्मल डो लगा लेंगे। ये देखिए हमने एक डो, अच्छा सा सॉफ्ट डो नीड कर लिया है। अब इसको हम ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। हम एक पेस्ट रेडी कर लेते हैं राजमा का, जो स्टफिंग हम बनाएंगे पराठा में उसके लिए। ये मैंने 4-5 कश्मीरी लाल मिर्च है, इसको गर्म पानी में मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब ये मिर्ची जो है हम मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। 10 कलियां बड़े लहसुन की है, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये बेजिल लीफ के पत्ते हैं 4-5, ये भी इसमें हम डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी जिसमें हमने मिर्ची भिगोई थी वो डालेंगे। इन सबको एक फाइन पेस्ट में हम ब्लेंड कर लेंगे। इसको ब्लेंड करने के लिए ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे। आप देख सकते हो ये जो हमारा दूध है मोर देन हाफ रिड्यूस हो गया है। थोड़ी देर इसको और हम रिड्यूस करेंगे। ये हमारा मसाला देखिए एकदम अच्छे से जो हमने रेडी कर लिया है। आप देख सकते हो ये रबड़ी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गई है, मोर देन हाफ ये रिड्यूस हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी आप स्वाद अनुसार डाल सकते हो। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2.5 टेबल स्पून चीनी। इसको हम मिक्स करेंगे। चीनी डालने के बाद एक बार थोड़ा सा ये लिक्विड फॉर्म में और आ जाएगा, तो इसको हम कुक करेंगे करीबन 5 मिनट और, ताकि हमें फिर से गाढ़ा मिक्सचर मिल जाए। अब इसमें हम डाल देंगे 8 से 10 धागे केसर के। आप इवन इसमें इलायची भी डाल सकते हो, मैं आज इलायची को स्किप कर रही हूँ। हमारी रबड़ी देखिए एकदम रेडी हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, ये ठंडी होने पर और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो फिलहाल मैं फ्लेम को करती हूँ ऑफ और इसको ठंडे होने देते हैं। ये मैंने राजमा को 3 घंटा भिगो लिया। भिगो कर इसको कुकर में विसल लगा लिया। हमें एकदम अच्छे से बॉयल किया हुआ राजमा चाहिए। मैंने पैन में 1.5 टीस्पून ऑलिव ऑयल लिया है, इसको अच्छे से गरम कर लिया है। ये 1 मीडियम अनियन है, मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया है और इसमें अब हम इसको डालेंगे। हम अनियन को सौते करेंगे ट्रांसलूसेंट होने तक, यानी पिंक कलर होने तक इसको हम सौते करेंगे। हमारे अनियन एकदम सॉफ्ट एंड टेंडर हो गए हैं। ये जो हमने प्यूरे बनाई थी ये अब इसमें हम डालेंगे। इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक सौते करेंगे मीडियम फ्लेम में। इसमें मैं डालूंगी 1.5 टेबल स्पून ये अमूल क्रीम। इसको आप कंटिन्यूसली अमूल क्रीम डालने के बाद स्टर करिएगा। कई बार ये नहीं तो कर्डल हो जाता है, यानी फट जाता है। ये मेरे पास 8-10 बेजिल के पत्ते हैं, इसको ऐसे ही मैं हाथों से तोड़ते हुए इसमें डाल दूंगी। मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च।
वन टीस्पून धनिया पाउडर, वन टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, वन टीस्पून अमचूर पाउडर, अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हो। अनेंडे हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ, नमक स्वाद अनुसार डालिए। ग्रेटेड अदरक है, हाफ इंच अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया था। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हो ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो गया है, पैन को भी मसाले ने अच्छे से लीक करना शुरू कर दिया है। इसमें हम ऐड करेंगे बॉयल किए हुए राजमा को। ये राजमा को हम ऐसे स्पैचुला की हेल्प से मैश करते हुए इस ग्रेवी के अंदर मिक्स करेंगे। आज हम इंडियन पराठे में डाल रहे हैं कॉन्टिनेंटल टाइप की ये राजमा की स्टफिंग। और ये देखिए पैन को लीव करने लग गया है हमारा ये राजमा का मिक्सचर। अब इसमें मैं डाल दूंगी खूब सारा धनिया पत्ता चॉप किया हुआ। धनिया पत्ता ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट इसके साथ धनिया पत्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अंत में इसमें थोड़ा सा बेसिल लीफ मैं और डाल देती हूँ ऐसे ही हाथों से चॉप करते हुए, और इनको मिक्स करेंगे और फ्लेम को कर देंगे अब हम बंद। इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं और ठंडा होने देते हैं। हमारे आटे ने अच्छे से रेस्ट ले लिया है। अब एक हम इस ढंग से बॉल लेंगे, चपाती की साइज़ की हम लेंगे, जैसे नॉर्मल हम चपाती बनाते हैं उस साइज़ में हम ले रहे हैं इसको। इसको हल्का सा हम फ्लैट करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें ड्राई आटा जो है डस्ट करेंगे, और इसको एकदम नॉर्मल एक चपाती के शेप में हम बेल लेंगे। मैंने इसको नॉर्मल चपाती के हिसाब से ही बनाई है, थिकनेस चपाती के तरह ही रखी है। फर्स्ट हम बनाएंगे रबड़ी पराठा। तो ये हमारी रबड़ी है जो हमने बनाई थी, इसको हम सेंटर में डालेंगे और इसको अच्छे से हम फैला देंगे। इसमें मैं स्प्रिंकल करूँगी थोड़े से बारीक कटे हुए ये आलमंड, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ ये पिस्ते, एजेस में हम थोड़ा सा पानी को अच्छे से डैब कर लेंगे, और इसको हम इस ढंग से बराबर में फोल्ड कर देंगे। साइड में ऐसे सील कर दीजिए अच्छे से। हल्का सा अब इसमें हम फिर से पानी लगाएंगे और इसको इस ढंग से हम थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। इससे लुक बहुत अच्छी आती है और ये सीलिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। हल्के हाथों से हम इसको इस ढंग से पलट देंगे। एक फोक लेंगे और इस ढंग से हम इम्प्रेशन डाल देंगे। इम्प्रेशन डालने से दिखने में भी अच्छा लगता है, जो हमने सीलिंग की वो एकदम मजबूती से हो जाती है। ये हमने पैन को गर्म कर लिया है। रबड़ी पराठा मैं बना रही हूँ घी से, आप इसको इवन ऑयल से भी बना सकते हो। तो पहले थोड़ा सा मैं घी इस पर ब्रश कर लूँगी। बहुत हल्के हाथों से मैंने पराठों को उठाया और इसके ऊपर रख देंगे। ब्रश से मैं थोड़ा सा घी ऊपर भी अच्छे से लगा दूंगी। आप इवन स्पून से भी इसको लगा सकते हो। फ्लेम को रखिएगा लो टू मीडियम। हम नीचे की साइड इसको हल्का सा कुक होने देते हैं, फिर इसको हम पलटेंगे। अब धीरे से हम इसको पलटेंगे, इसको कुक होने देते हैं। जब तक हमारी रबड़ी पराठा कुक हो रहा है, हम एक और इसी ढंग से एक बॉल शेप में ले लेते हैं। इसको हम फिर से एक बार पलट देते हैं। हमें इसको अच्छे से दोनों तरफ क्रिस्प इसको सेकना है। ये जो हमने राजमा का मसाला बनाया था वो हम सेंटर में रखेंगे और इसको हम फैला देंगे एक स्पून से। साइड से वाटर को अच्छे से डैप कर लेंगे। ये फर्स्ट फोल्ड करेंगे हम। इसको अब हम देंगे चौकोर की शेप, एक लिफाफे की तरह हम बनाएंगे। हल्का सा हाथों से हम प्रेस करेंगे। थोड़ा सा हम आटा इसमें स्प्रिंकल करेंगे और इसको पलटेंगे। हल्का सा हाथों से हम इसको ऐसे फ्लैट कर देंगे। वाह, देखिए कितने अच्छे से हमारा रबड़ी पराठा बन गया है। तो हम बाहर निकाल लेते हैं, आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारी रबड़ी जो है ऊज आउट होके आ गई है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल, ये राजमा पराठा बनाने के लिए। आप नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे फिर से ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लेंगे। इसको मीडियम फ्लेम में हम दोनों तरफ अच्छे से कुक करते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। इसको मैंने पलट दिया है और यहाँ पे भी थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दिया है। इसको फिर से हम पलट देते हैं।
ये देखिए बहुत अच्छे से दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन हो गया है। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्प चाहिए तो आप इवन इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं बाकी सारे पराठे भी रेडी कर लेती हूँ। तो दोस्तों रेडी हमारी बहुत ही डिलीशियस हेल्दी यमी ऑल टाइम फेवरेट राजमा स्टफ पराठा रबड़ी पराठा, जरूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। तो मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन कविता बराडिया साइनिंग ऑफ, बाय बाय। आपको कट करके दिखाती हूँ इसमें कितने अच्छे से हमारी रबड़ी जो है ऊज आउट होके आ रही है, आप देख सकते हो एकदम अच्छे से ये लिक्विड फॉर्म में मेल्ट हो गई है। इवन हमारा ये भी पराठा बहुत अच्छे से, ये देखिए पराठे, अरे तुमने तो चांदनी चौक पर बीट कर दिया। रबड़ी पराठा, राजमा पराठा, कविता तो मजा ही आ गया आज तो। टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है? दिखने में अच्छा लग रहा है तो टेस्ट में तो बहुत ही बढ़िया होगा। चलो टेस्ट करके देखते हैं। वाह मजा आ गया तुम खा के।